Hello bachcho let's read the question the question says as that a ball is projected at an angle of 45 degree so as to cross a wall at a distance from the point of projection it falls at a distance b on the other side of the wall if h is height of the wall then हाइट ऑफ द बॉल एच इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी तो बच्चों इसका की कंसेप्ट क्या है इसका की कंसेप्टे है कि हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को समझे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होती है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वेर कॉ स्क्टा एक्स स्क्वे ये होती है हमारी ट्राजेक्टरी की इक्वेशन और जो रेंज क्या होती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है टू वी स्क्वेर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी तो चलो अब इनको हम यूज करते हैं तो पहले हम समझते हैं फिगर की हेल्प से कि हो क्या रहा है जैसे ये वॉल है और अब हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं ये है ए डिस्टेंस और ये है बी डिस्टेंस और प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री तो यहां से रेंज क्या आएगी रेंज आएगी टोटल डिवाइडेड बाय जी अब साइन थीटा क्वास थीटा की जगह हम एंगल 45 डिग्री प्लेस कर लिख सकते हैं वन बाय रूट टू मल्टीप्लाई बाय बाय टू यहां से आता है रेंज टोटल ए प्लस बी इज इक्वल टू V square divided by g तो यहां से हम लिख सकते हैं v square divided by g is equal to a plus b हम इसे बाद में यूज करेंगे चलो अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे जाते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हम लिख सकते हैं y is equal to अब थीटा तो है 45 डिग्री तो tan थीटा हो गया 1 तो लिख सकते हैं y is equal to x minus half ऑफ g divided by v square और यहां पर cos square थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन डिवाइडेड बाय टू और ऊपर क्या आएगा एक्स आएगा तो अब यहां से टू तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर देखना जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वाच डिस्टेंस पे रेंज कितना था जैसे हम यहां देख सकते हैं अबाउट टू क्रॉस कर रहा है तो इसकी हाइट एच है वाई पे वाई की लोकेशन क्या होगी हमारी एच और एक्स की लोकेशन क्या होगी ए तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम ए कॉमा एच जब इस कोऑर्डिनेट को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेक्ट्री में प्लेस करेंगे तो यहां लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू ए माइनस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और यहां लिख सकते हैं ए स्क्वायर और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह आता है एच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी तो यहां से एच की जो वैल्यू आती, आती है वो आती है ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू बेस्ट ऑफ लक